है, स्वागत है फिर से आप लोगों का एक न्यू वीडियो के अंदर। गाइस आज की इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को अपने चेहरे को स्मूथ करना सिखाने वाला हूं। अगर गाइस आपका भी चेहरा ऑयली और आप लोगों को स्किन को स्मूथ करने में दिक्कत आती है ना, इस वीडियो को आप पूरा प्रॉपर देख ले तो पक्का भी इस टाइप का फोटो एडिटिंग काफी इजिली सीख पाएंगे। तो गाइस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक वॉच करना एंड अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चले गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके तो गाइस मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और सबसे पहले आप लोग अपनी फोटो को शेयर कर देना ऑटोडेस्क स्केचबुक के अंदर। तो मैंने ऑलरेडी कर लगाया था, आप लोग भी कर लीजिएगा। देन ऑटोडेस्क स्केचबुक में एक बार मैं आप लोग को ऊपर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने पे बहुत सारे ब्रशेज मिल जाएंगे, तो सिंपली आप लोग को यहाँ पे इस ब्रश वाला ये वाला ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है। तो आप लोग ऐसे इसकी ब्रश देख सकते हो, तो मीडियम ब्रश को सिलेक्ट कर लेना। देन इसकी सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। मेन इसकी सेटिंग है, इसको क्या रखना है, ओबेसिटी को 100 और साइज को अपने अकॉर्डिंग रख लेना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देन ऐसे इसको कट कर देना है। नेक्स्ट आप लोग कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली आप लोग इस पर क्लिक कर देना है। और करने के बाद में आप लोग ऐसे इसको व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इसको व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपली आप लोग ऐसे इसको कट कर देना है। फिर से आप लोग लेयर वाले ऑप्शन मिल जाएगा, तो ये इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में एक लेयर बना लेना है। बनाने के बाद लेयर पे क्लिक करना है और इसको यहाँ पे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन है कि इसको ऐसे सॉफ्ट लाइट कर देना है। तो ये रहा सॉफ्ट लाइट का ऑप्शन, तो इस पर क्लिक कर देना है। देन आप लोग इसको हटा देना है, अपनी फोटो को जूम करना है और कुछ स्टेप से अपने ब्रश को अपनी स्किन के ऊपर चला देना है। तो यहाँ से ब्रश की साइज को इंक्रीज कर लेना है लगभग इतना, और कुछ इतना से अपनी स्किन के ऊपर से ब्रश को ड्रॉ कर देना है। तो कैसे आप लोग भी कुछ स्टेप से अपनी पूरी स्किन के ऊपर कर लीजिएगा, तो यहाँ से मेरी स्किन वाइट हो जाएगी। तो ओके तो चले गए, जिसको भी मैं फटाफट से कर लेता। ओके तो गाइस मैंने यहाँ से अपने पूरे चेहरे पे ब्रश को ड्रॉ कर दिया। देन इतना होने के बाद में क्या करना है, फिर से आप लोगों को लेयर वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली आप लोग इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद लेयर पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद में गाइस आप लोग कहाँ पे HSL ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली आप लोग इस पर क्लिक कर दें। देन जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग क्या करना है, इसकी सेचुरेशन को डिक्रीज कर देना और ल्यूमिनस को इनक्रीज कर लेना है। ओके तो यहाँ से आप लोग अपने कलर को भी एडजस्ट कर सकते हैं। देन इतना कर लेने के बाद में यहाँ से इसको डन कर देना है। सिंपल से गाइस इतना होने के बाद में फिर से आप लोग को इस तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, लाइब्रेरी वाले पर। और क्लिक करने के बाद में आप लोग लाइब्रेरी में जाना है, नीचे को स्क्रॉल करना है। करने के बाद में गाइस आप लोग यहाँ पे ये वाला ब्रश को सिलेक्ट कर लेना, समझ में से ये वाला ब्रश को सिलेक्ट कर लेना। देन सिलेक्ट करने के बाद में इसकी सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। तो फ्लो को यहाँ पे मैं कम कर लेता हूँ, 3 रख लेता हूँ, 4 रख लेता हूँ। देन और इसकी स्ट्रेंथ को 6 के अराउंड रख लेना। गाइस आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो पूरे का। देन इतना कर लेने के बाद में ऐसे इसको कट कर देना, साइज को अपने अकॉर्डिंग रख लेना जितना आप अपना रखना चाहते हो। यहाँ से अपनी फोटो को जूम करना है कुछ स्टेप से और ब्रश की साइज को इंक्रीज कर लेना है लगभग इतना, और राउंड राउंड करके आप लोग अपने पूरी स्किन के ऊपर से ब्रश को ड्रॉ कर देना है। तो मैं यहाँ पे सॉरी लेयर पे क्लिक करना है, अपनी फोटो वाले लेयर पे क्लिक कर देना है। देन आप लोग अभी आप यहाँ से अपनी ब्रश को अपनी स्किन के ऊपर चला देना है। तो अगर यहाँ पे जैसे तो चेहरा भी काफ़ी मस्त तरीके से स्मूथ हो रहा है, काफ़ी ईजिली स्मूथ हो रहा है, काफ़ी दिक्कत नहीं आ रही है। अगर आप भी इस टाइप का स्मूथ करते हो ना, तो काफ़ी ईजिली तरीके से यहाँ से आप लोग अपने चेहरे को स्मूथ कर पाएंगे। तो चले गए, इसको मैं फटाफट से कर लेता हूँ। ओके तो गाइस मैंने यहाँ पे अपने चेहरे को काफ़ी इजीली स्मूथ कर लिया, काफ़ी इजी तरीके से मेरे यहाँ पे चेहरा भी स्मूथ हो चुका है। देन इतना होने के बाद में क्या करना है, आप लोग इस 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, तो ये इस पर क्लिक कर देना और आप लोग यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और गाइस इस फोटो यहाँ से शेयर कर देना है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। ओके तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने लाइटरूम एप्लीकेशन के स्क्रीन पर। आने के बाद में गाइस इधर की तरफ स्क्रॉल करना है, तो आप लोग के सामने यहाँ पे कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। देन इस पर क्लिक कर देना है। सिंपली क्लिक करने के बाद में आप लोग का मिक्स कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में आप लोग को पेस्ट कलर की सिचुएशन को इंक्रीज कर लेना, जिससे मेरे होंठ ऐसे रेड हो जाएंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे। ओके सेकेंड कलर से जाना है, सिचुएशन को डिक्रीज कर देना है, तो यहाँ से चेहरा वाइट हो जाएगा। तो देख सकते हो। ओके अब लास्ट में ग्रीन कलर में जरा सिचुएशन को डिक्रीज और येलो कलर की भी सिचुएशन को डिक्रीज कर देना है। और देन आप लोगों ऐसे राइट क्लिक कर देना है, तो यहाँ से आप लोग अपनी फोटो को बिफोर एंड आफ्टर भी देख सकते हो, तो काफ़ी वाइट हो चुकी है मेरी स्किन। देन आप लोगों को लास्ट में क्लिक करना है, तो डिटेल का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आप लोग इस पर क्लिक कर देना। और क्लिक करने के बाद में इसकी शार्पनिंग को इंक्रीज कर लेना,
और नीचे स्क्रॉल करना है और कलर नोटिफिकेशन को 100% इंक्रीज कर लेना है। तो जैसे आप करेंगे तो ऑल टू ऑल आपकी फोटो कुछ स्टेप से अपने को देखने को मिलेगा, जो कि आपकी ऑसम एंड फार सी दिख रही है। देख सकते हो गाइस बिफोर एंड आफ्टर। तो सिंपल से गाइस जितना होने के बाद में आप लोगों को शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, देन क्लिक करने के बाद में इस फोटो कैसे सेव टू डिवाइस वाले ऑप्शन जाके इस फोटो कैसे सेव कर लीजिएगा। आई होप कि गाइस ये वीडियो आप लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।